उपखंड वजीरपुर के मुख्य बाजार चौराहे पर पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से हजारों लीटर पानी लगातार बहने की खबर के बाद जलदाय विभाग ने पाइपलाइन लीकेज को ठीक करवाया था, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उसमें से अभी भी लीकेज रह गया। एक तरफ पानी की मोटर खराब होने की वजह से दो दिन से नलों में पानी नहीं आने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण रोज पाइप लाइन से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। मुख्य चौराहे के अलावा कस्बे में बस स्टैंड के पास बालाजी के रास्ते में भी कई जगह से पानी लीकेज हो रहा है, जिसका अभी तक कोई इंतजाम जलदाय विभाग ने नहीं किया है।